हेलो फ्रेंड्स, इट्स अभय रामपाल फ्रॉम एक्सेल सेटल अब्रॉड। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग स्टडी वीजा टिप्स मिस ना करें, ताकि आप अगली बारी जब अपनी फाइल खुद एक्सेस करें आपको पता हो कि आपको आईएलटीएस में कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री। बात करें अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो यूके जाके स्टडी करना चाहते हैं, तो हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की फर्स्ट प्रेफरेंस लंदन ही रहता है। और इस वीडियो में हम उस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जो लंदन की ही नहीं, इवन होल ऑफ द यूके की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में कंसिडर की जाती है, और उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ हर्डफोर्डशायर। अब इस वीडियो में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हर्डफोर्डशायर के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स आपको बताना चाहूंगा। द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इज द यूनिवर्सिटी ऑफ हर्डफोर्डशायर। ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, इवन ये गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की एक साल की एनरोलमेंट अराउंड 25,000 to 26,000 स्टूडेंट्स की है। इसका TEF ये बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स आपका वीजा ऑब्टेन करने के लिए। टीचिंग एक्सीलेंस फ्रेमवर्क क्वालिटी इसकी गोल्ड है, जो कि सिर्फ 15 से 20 यूनिवर्सिटीज के पास है फुल यूके में। इसकी लोकेशन मेन लंदन कैंपस हैटफील्ड में है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस यूनिवर्सिटी का वीजा सक्सेस रेट 94% है। इवन अगर 100 बच्चे इस यूनिवर्सिटी में फाइल लगाएंगे तो 94 to 96 बच्चे अपना वीजा क्वाइट इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड इस यूनिवर्सिटी का एक पर्सनल रिकॉर्ड भी है कि जो भी बच्चा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है UKVI, इट्स मीन यूके की एम्बेसी की तरफ से उसकी इंटरव्यू भी नहीं आती है। जनवरी इनटेक इज ओपन फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ हर्डफोर्डशायर। अगर आप एक्सेल सेटल अब्रॉड के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हर्डफोर्डशायर का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, आप हमें स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपकी कोर्स सिलेक्शन से लेके वीजा फाइलिंग तक पूरी असिस्टेंस करेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको विद इन 1 आवर अपनी क्वेरी का जवाब मिलेगा।